जोर से खींचिए। हाँ हाँ खींचा गया, तब खुल गया ना। देखिए उसमें स्टार्ट का स्टार्ट का बटन दिया होगा एक, तो स्टार्ट का बटन दिया है। दिया है, इतना ऊंच पर लगाया है, लौके नहीं रहा है। अब नीचे में होगा। हाँ स्टार्ट है, क्या करना है बताइए। उसको दबाइए और वो जो 20 नंबर का जो टोकन नंबर है उसको आप बारी बारी से दबा कर और सबमिट कर दबाइए। स्टार्ट दबाए उसके बाद नंबर दबाए। हाँ 20 नंबर दबाइए, 20 को जो नंबर है वो चालू हो जाएगा ना। आप दबाइए तो हाँ चालू हो जाएगा। दबा दिए। हाँ स्टार्ट दबा दिए। स्टार्ट दबा दिए, वो जो नंबर है 20 नंबर वो दबाइए। स्टार्ट दबाने से नहीं होगा, पूरा नंबर दबाइए उसमें जो 20 का बवासीर बना दिए आप लोग। दिमाग खराब हो रहा है। 500 का रिचार्ज करा है, 2-3 दिन चला, 100 रुपए का खत्म हो गया। बातों को खिलाएंगे कि पढ़ाई लिखाई देंगे कि घर खर्चा चलाएंगे कि मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल पर 50 रुपए बढ़ गया है। हम बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बिजली का कनेक्शन कितने प्रकार के होता है, यानी आप बिजली का कनेक्शन कितने प्रकार से लेते हैं। तो ये है डोमेस्टिक कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन, इंडस्ट्रियल कनेक्शन, एग्रीकल्चर कनेक्शन, टेम्पररी कनेक्शन, इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन, पब्लिक यूटिलिटी कनेक्शन। इसमें सिंगल फेज या थ्री फेज का यूज होता है। सिंगल फेज में 230 वोल्ट, थ्री फेज में 400 वोल्ट का यूज होता है। मैंने जितने भी प्रकार के कनेक्शन बताए हैं उसमें सिंगल फेज या फिर थ्री फेज का यूज होता है, इसमें टू फेज का यूज नहीं होता है। आखिर क्यों? टू फेज का यूज 1895 में नायग्रा फॉल जो कि नॉर्थ अमेरिका में उसके जनरेटर में किया गया था। इसमें बेसिकली दो लाइव वायर होते हैं और उसके साथ एक न्यूट्रल वायर होता है। इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी जब एक फेज मैक्सिमम पर होगा तो दूसरा मिनिमम पर होगा। इससे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। सिंगल फेज की बात करें तो इसमें दो वायर होते हैं, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से फ्री इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एक साइकिल बनता है जिससे एक सर्किट पूरा होता है। इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि फेज एक ही है और फेज डिफरेंस होने के लिए दो या दो से अधिक फेज का होना जरूरी है। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में 50 बार वोल्टेज और करंट अप डाउन होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 हर्ट्ज़ पर ला दे तो वो एक सेकंड में एक बार जलेगा और एक बार बुझेगा। इसलिए जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो बल्ब भुकभुकाने लगता है। थ्री फेज की बात करें तो इसमें 5 वायर्स होते हैं, यानी 5 तार होते हैं। 3 फेज वायर, 1 न्यूट्रल वायर और 1 ग्राउंड वायर जिसे हम अर्थ इन बोलते हैं। इसमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है जिसमें लगातार सप्लाई मिलती रहती है क्योंकि अल्टरनेट करंट जो एसी करंट होता है वो कोई बैटरी नहीं होती है, उसमें एनर्जी पहले से स्टोर नहीं रहती है। बैटरी में पहले से एनर्जी स्टोर रहती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में जो एसी अल्टरनेट करंट है उसमें लगातार सप्लाई देनी पड़ती है। अगर एक मोटर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलने पर बनाई गई है, वहीं दूसरा 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलने पर बनाई गई है और दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए वोल्टेज सेम है तो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला मोटर ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। सिंगल फेज का ज़्यादातर उपयोग नॉर्मल घरों में और इंडियन रेलवे द्वारा 25 kV पर होता है। 1 kV में 1000 वोल्ट्स होते हैं तो 25 kV में यानी 25 kV में 25,000 वोल्ट्स होंगे। वहीं थ्री फेज का यूज़ बड़े बड़े मशीनरी को चलाने में होता है। 4 फेज का यूज़ अभी नहीं होता है, इसका यूज एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए होता है। अब आते हैं वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि आप बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने आप। बिजली का बिल यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। एक यूनिट 1 kWh यानी 1 kWh के बराबर होती है और 1 kW यानी 1 kW में 1000 वाट होते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं। ये बल्ब 9 वाट का है। हमें यह पता लगाना है कि इस बल्ब को एक यूनिट बिजली खर्च करने के लिए कितने घंटे या कितने दिनों तक जलाना पड़ेगा। तो इस बल्ब को एक यूनिट बिजली खर्च करने के लिए 111 घंटा या 4.5 दिन तक लगातार जलाना पड़ेगा जिससे एक यूनिट बिजली खर्च होगी। अच्छा, मीटर से देखकर ये कैसे पता लगाएं कि आज के महीने का बिल कितना होगा? बिल निकालने से पहले आपको सेल्फ सिस्टम को समझना पड़ेगा क्योंकि बिहार में सेल्फ सिस्टम का यूज होता है। अगर आप 0 से 100 यूनिट की बिजली खर्च करते हैं तो 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से पड़ेगा। वहीं 101 से 200 यूनिट की बिजली खर्च करते हैं तो आपका 7 रुपया पर यूनिट के हिसाब से पड़ेगा। वहीं अगर आप 201 से 300 यूनिट की बिजली खर्च करते हैं तो 7.5 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। अगर 300 से ज़्यादा यूनिट की बिजली खर्च करते हैं तो आपका 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पड़ेगा। अब मीटर में जाएंगे, हमारे पास पुराना वाला डिजिटल मीटर है, किसान मीटर पर भी हम आएंगे। अभी देखेंगे कितना kWh यानी किलोवाट आवर हुआ है। ये kWh जब से मीटर लगा है तब से इतना kWh हुआ है, जैसे हमारे केस में 2730 kWh यानी किलोवाट आवर है। अब हम इस टोटल kWh से पिछले वाला kWh घटा देंगे तो हमें इस महीने का kWh मिल जाएगा जिससे हम आसानी से बिजली का बिल निकाल सकते हैं। पिछला kWh आपको पिछले वाले बिल में मिल जाएगा, इसको लेकर अभी वाले kWh से घटा देंगे तो अभी का kWh यानी किलोवाट आवर मिल जाएगा। जैसे हमारे केस में निकला
2730 माइनस 2480 तो बराबर 205 kWh। जितना kWh यानी जितना किलोवाट आवर हुआ उतना यूनिट हुआ, यानी कि हमारे केस में 250 kWh हुआ तो 250 यूनिट हुआ। अब इस 250 यूनिट का हम खर्च निकालेंगे कि कितना बिल बनेगा इसका। अब हम इसे सेल्फ सिस्टम में भरते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे रेट भी बढ़ेगा। आप एग्जैक्ट यूनिट रेट सप्लायर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला एनर्जी चार्ज, दूसरा फिक्स चार्ज और तीसरा टैक्सेस। पहला एनर्जी चार्जेस में आते हैं, तो 100x6 प्लस 100x7 प्लस 50x7.5 6 रुपया, इसलिए क्योंकि 0 से 100 यूनिट की बिजली खर्च हुआ है तो इसके हिसाब से 6 रुपया रेट हुआ। अब ये 100 से आगे बढ़कर 200 चल गया तो ये 7 रुपया के हिसाब से अगले वाला यूनिट जुड़ेगा। आगे वाला 200 से ऊपर चल गया तो ये 7.5 रुपया हिसाब से यूनिट का खर्च निकलेगा। तो 201 से ये 300 गया तो 7.5 रुपया। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 1675 रुपया हुआ। अब आते हैं फिक्स चार्ज। यहाँ पे हम फिक्स चार्ज लिए हैं 2 किलोवाट और 2 किलोवाट का फिक्स चार्ज है 100 रुपया और कुछ टैक्सेस जोड़ लेते हैं। टैक्सेस अलग हो सकती हैं तो हम 1, 2, और 3 को जोड़ देंगे तो 1675 प्लस 100 प्लस 150 तो ये 1925 हो जाएगा। अब हम फिक्स चार्ज वाला 2 kW को समझते हैं, यानी 2 किलोवाट को समझते हैं। 2 किलोवाट में 2000 वाट होते हैं, यानी 2 kW का मतलब है कि आपके घर का लोड 2000 वाट का है, यानी आप 2000 वाट को एक समय में एक साथ खर्च कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने कनेक्शन लेते वक्त ये 2 kW नहीं 2 किलोवाट 2000 वाट का एग्रीमेंट किया था। एग्जांपल लेके समझते हैं। 2 kW का मतलब है, यानी 2000 वाट का मतलब है कि ये 9 वाट का बल्ब है तो इस 9 वाट के बल्ब के जैसा 222 बल्ब एक साथ जला सकते तब आपके जाके लोड पूरा होगा, यानी 2 kW का लोड पूरा होगा, 2000 वाट का लोड पूरा होगा। हालांकि नॉर्मल घरों में इतना खपत नहीं होता है। अब हम आते हैं स्मार्ट मीटर में। हम स्मार्ट मीटर के ना तो सपोर्ट में है ना ही विरोध में। अगर इससे लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो गवर्नमेंट से फुल ट्रांसपेरेंसी की मांग करें, क्योंकि अपडेटेशन इज द रूल ऑफ नेचर। पहले कीपैड फोन था, अब स्मार्टफोन है, बिकॉज अपडेटेशन इज द रूल ऑफ नेचर। UPI भी आया था तो हल्ला हुआ था। Now he's moved to the cashless economy. There's the whole concept of the PayTM, pay to Modi. बिहार में BPSC ने टीचर वालों का एग्जाम लिया था तो भी हल्ला। BPSC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। EVM को लेकर हल्ले चलते। आज के बाद हिंदुस्तान में जो भी चुनाव हो उन सारे चुनावों के अंदर वही EVM मशीन यूज्ड हो जिसके साथ VVPAT मशीन लगा हुआ। लेकिन लागू हुई ना। UK, US, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश स्मार्ट मीटर का यूज पहले से ही करते आ रहे हैं। विचार करने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।